हाय गाइस, हाय। अच्छा गुड इवनिंग। अभी बजा है शाम के 7:15। तो थोड़ा सा ना घर में रह रहे कि हम बोर हो गए थे, तो हमको लगा कि थोड़ा सा ना हम बाहर आए और थोड़ी सी खुले हवा में रहे। तो हम घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, इसका कारण वही है क्योंकि कोविड सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन में जितना घर पे रहा जाए उतना ही बेटर है, तो इसलिए हम बाहर ज़्यादा जाते आते नहीं हैं। अभी आज के दिन और कल के दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, ऑल द आसमान में देखो क्लाउड है, तो पूरा का पूरा दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, पर बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई है, जिसके लिए वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्लाउडी होने के बाद भी। एंड इसीलिए शाम को हमने सोचा कि थोड़ा छत पे वॉक करें और थोड़ा सा जो खुले मौसम एंजॉय करें। जैसे कि आप देख सकते हो अभी पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट जल गया है और अंधेरा भी हो गया है। मैं बैक कैमरा को साफ कर लेती हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो इधर ना जल्दी सनसेट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि मतलब कोलकाता में ईस्टर्न साइड में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट जल गया। एंड थोड़ी थोड़ी अभी भी आसमान में उजाला है, पर जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो सबके घर में लाइट जल गया है ना। और इधर जो कोकोनट ट्री है हमारे पास में, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है जिसके कारण ये हिल रहा है इतना ज़ोर ज़ोर से। एंड ये देखो सारा जो कपड़ा कुपड़ा है ये छत पे ही है, अभी तक उठाया नहीं हमने। एक्चुअली मेरी मम्मी जब शाम को शाम के जो पाठ होता है, पूजा होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो इधर कोलकाता में जितने भी घर है सबके घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, ये मतलब मैंडेटरी है घर पे। तो मेरी मम्मी करीब 7:30 बजे के आसपास इधर शाम के आरती देता है, शंख बजाती है। तो जब मम्मी करने आती है तो जितने भी कपड़ा छत पे होता है तो वो उठा के ले जाती है। तो और ये रह गया इंदर। इंदर इंदर तुम क्या कर रहे हो इधर, हमारे व्यूअर्स को बताओ आप क्या कर रहे हो। मैं फ्लैश चलाती हूँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ बताओ क्या कर रहे हो। हाथ पैर खुल जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हो? अच्छा, इंदर इधर एक्सरसाइज कर रहा है। घर के अंदर गाइस रहते रहते बंदा बोर ही हो जाता, और बेसिकली बोर नहीं है क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो इसीलिए कोई ना कोई ऑल टाइम होता ही है हमारे साथ बात करने के लिए, ऊपर नहीं तो नीचे, दादी के घर में, चाची के घर पे, एक ही घर पे हम रहते हैं, तो वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, तो बोर होने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर ऊपर नहीं है तो नीचे चले जाते हैं, अगर नीचे नहीं है तो ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा जो बोर नहीं होते हैं। बट वो होता है ना कि थोड़ा बंदे को फ्रेशनेस की ज़रूरत है, बाहर जाने की ज़रूरत है, तो इसी के कारण। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। मैंने कल एक वीडियो शूट किया था, उधर मैंने अपने मदर को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत बार कॉन्विंस करने के बाद मम्मी ने राज़ी हुआ मेरे वीडियो में आने के लिए। एंड बाय द वे, नीचे चैनल के नीचे मैंने मम्मी का जो न्यूली ओपन्ड चैनल है, जो अभी अभी हमने खुला है, तो वो चैनल, हाँ तो वो चैनल हमने नीचे डाले हुए हैं। प्लीज़ उधर जाइए, मम्मी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे आप लोग हमको प्यार करते हैं, हमको सपोर्ट देते हैं, तो मम्मी को भी
सपोर्ट दीजिए। एंड मम्मी के जितने भी व्लॉग्स होंगे, आई मीन वो मेनली खाना बनाती है, तो वो सारे बंगाली में ही होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बंगाली समझने में, सुनने में, देखने में, तो प्लीज़ जाइए नीचे दिए हुए लिंक पे, क्लिक कीजिए, मम्मी के चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थे तो उसका थोड़ा सा पार्ट मैं व्लॉग के एंड में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे चैनल में वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा चीज़ शेयर करने वाली हूँ मैं, वो है माय मदर, जो कि मतलब इतना बोलने के बाद भी मतलब हमारे चैनल में कभी वो आती नहीं है। एंड द रीज़न इज़ बेसिकली कि उनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो यूजुअली आना नहीं चाहती है। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आज शी इज रेडी टू कम। तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो हेयर इज माय मॉम, से हेलो। हाय। हाँ, तो इधर पास में बैठा है इंदर। इंदर को तो इंट्रोड्यूस करवाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी हम बेसिकली इधर बैठे बातचीत ही कर रहे थे, तो इन द मेन टाइम मैंने कन्वेंस करवा लिया मम्मी से कि थोड़ा सा हमारे व्लॉग में आ जाओ एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अभी इधर हूँ एंड आप लोगों के साथ मैंने अपने घर वालों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाई है। तो इसीलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शी गॉट ओके। अच्छा, बाय द वे मम्मी को हिंदी थोड़ी सी कम आती है, समझ भी कम आती है, तो मम्मी अगर बंगाली में कोई भी बात बोल रही है तो मैं नीचे सबटाइटल में लिख दूंगी, डोंट वरी। ओके, तो तुम्हार केमन लगछे लाइव एसे प्रथम बार? खूब भालो लागछे लाइव एसे, किन्तु भय भय लागछे ठीकई, किन्तु खूब एक्साइटेड। বেসিক্যালি লাইভ না, এটা তো হচ্ছে তোমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো এখন যে আমরা ইউটিউব চ্যানেলটায় আছি, সেটা কিন্তু মানে পৃথিবীর হাজার মানুষ দেখছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, ঠিক আছে? তারা কেউ কেউ বাংলা জানে, আমার প্রচুর বাংলা সাবস্ক্রাইবার আছে, আর অনেকে বাংলা জানে না, তারা মানে শুধু ইন্ডিয়াতে কেন, ইন্ডিয়ার বাইরে থেকেও লোকজন দেখে, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, এবং আমরা বিভিন্ন মেসেজও পাই সেখান থেকে। তো কেমন লাগছে তোমার যে পৃথিবীর সব লোকেরা তোমাকে এখন দেখছে? খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, আর এই যে ইন্দার, এই যে তোমাদের আমাদের বাড়িতে রয়েছে, আমিও এখানে রয়েছি, এতদিন পর এলাম আমরা, ঠিক আছে, অলমোস্ট ছ মাস হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে তুমি কি বলতে চাইছো? আমার মেয়ে আমার কাছে আছে, আমি ভীষণ হ্যাপি। আমার জামাই নেই, আমারা লেরকা, আমার ছেলে, হ্যাঁ, আমি জামাই বলে ওকে দেখি না, আমার ছেলে, আমার এক মেয়ে এক ছেলে। আচ্ছা, তো এরপরে হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে মানে হাম লোগো কো পতা হ্যায় কি ভাই উধর হাম ইউজুয়ালি ভেজ খাতে থে, তো ইধর হাম জো আয়ে হ্যায় তো ইধর হামকো নন ভেজ খানা পড়তা হ্যায়, এন্ড ইন্দর কা তো হ্যাবিট হ্যায় ভেজে নন ভেজ খানে কা, এসি বাত নেই হ্যায়। বাট আভি মতলব ইন্দর তুমহারে লিয়ে কোয়েশ্চন হ্যায়, নন ভেজ খানা বনা রহি হ্যায় তো তুমে কেসা লগ রহা হ্যায়? পহলি বাত তো ইয়ে হ্যায় কি তুমে কেসা লগ রহা হ্যায় কি তুম নন ভেজ হর রোজ ইয়ে মছলি খা রহে হো, কভি ইস মছলি চিকেন খা রে হো, আর মছলি কে ভি ইদার টাইপস হ্যায় তো তুমে কেসি ফিলিং আ রহি হ্যায়? আজকে মালাই কারি খেয়েছে, আজ চিংড়ি মাছ কা মালাই কারি খায়, মালাই কারি কি রকম লেগেছে? ও সবসে আচ্ছা বানা। चिंगड़ी माछेर मलाईकारी गाइस एक स्पेशल डिश होता है, तो वो एक टाइप के मछली आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, आप किसी भी सब्जी में डाल दो तो उसका भाई टेस्टी बदल जाता है। तो वो आज तुम्हें कैसा लगा है, तुम बताओ? बताओ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, सबसे अच्छा लगा। वो डिफरेंट होता है, पता है गाइस, आप लोगों के साथ कभी मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी। और मम्मी के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि मम्मी के लिए एक मैं अलग यूट्यूब का चैनल खोल दूंगी, ठीक है? তো আমি এটা ডিসাইড করেছি যে তোমার জন্য একটা আলাদা ইউটিউবের চ্যানেল খুলে দেবো, যেখানে তুমি শুধু রেসিপি দেবে, ঠিক আছে? সপ্তাহে একদিন হোক, দুদিন হোক রেসিপি দেবে। গাইজ, মেরি মাম্মি বহুতই আচ্ছা কুকিং করতি হ্যায়, অ্যান্ড মেরি মাম্মিকে যো মতলব জেনারেশনস হ্যায় ও সারে বাংলাদেশ সে হ্যায়, অ্যান্ড যো বাংলাদেশকে যো আদমি হোতে হ্যায়, চাহে ও লড়কি হো লড়কা হো, বহুতই জ্যাদা স্বাদিষ্ট কুকিং করতে হ্যায়। মেরি মাম্মিকে একবার কুকিং কা হোগা তো সব কুছ ভুল যাওগে। তো মানে এসা সোচি হ্যায় কি জেসে কি আজ ভি চিংড়ি মাছের মালাইকারি হামারে ঘর পে হুয়া হ্যায়, তো কিউ না मम्मी को एक चैनल खोल दे और मम्मी उधर सारा जो रेसिपी है वो करे, और जो मैंने जरा
রান্না জানে না বা নতুন রান্না করছে, তাদের পক্ষে তোমার রান্না দেখে রান্না করতে খুব সুবিধা হবে। তো সেই বিষয়ে তোমার কি মতামত? ওই কাকিমার রান্নাঘর বলেই জানে, তো তার চ্যানেল আগর আপ দেখ রে হো আন্টি, তো আপকে চ্যানেল ভি মেরি মাম্মি বহুত ফলো করতি হ্যায়, ক্যুকি এখন আমরা ইউটিউবে আছি, তো তুমি যাই বলবে এখন ইউটিউবার্স মানে যারা ইউটিউব দেখে তারা সবাই তোমার কথা শুনবে। আমি ওনার চ্যানেল তো খুবই দেখি, খুবই ভালো লাগে, প্লাস হচ্ছে আমার অনেকের রান্না আমার ভীষণ ভালো লাগে, যেটা দেখে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। হ্যাঁ, বা ভ্যারাইটিস রান্না ওটা দিয়ে একটু ট্রাই করি, এটা না ওটা ওটা না সেটা করে। তো এখন যদি ধরে নাও তোমার একটা চ্যানেল আমি খুলে দিই যেখানে শুধু তুমি কি ধরনের রান্না করছো বা তোমার রান্নার যে রেসিপিগুলো সেগুলো ধরে নাও সপ্তাহে একটা কি দুটো ভিডিও তুমি দিলে, যারা রান্না জানে না তারা তোমার রান্না দেখে, যারা নিউ বিগিনার্স তারা শিখছে, তো তোমার কিরকম লাগবে সেই বিষয়ে তোমার মতামত? ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে, যে আমার চ্যানেল সারা জায়গা লোকরা দেখবে, এটা তো ভীষণ আনন্দের ব্যাপার, ভীষণ ভালো লাগবে। ওকে গাইস, সো বহুত হি জলদি হাম এক দুসরা চ্যানেল লেকার আয়েঙ্গে জো মাম্মি কে লিয়ে হাম বানায়েঙ্গে, উধার মাম্মি বহুত হি আচ্ছা আচ্ছা রেসিপি ডালেঙ্গে, এন্ড আপ লোগ জরুর উস চ্যানেল কো দেখিয়েগা, মে নিচে লিঙ্ক দে দুঙ্গি মাম্মি কে চ্যানেল কা, তো জো ফার্স্ট ভিডিও হোঙ্গে ও ইনোগ্রেশন হোগি, উধার মাম্মি ওয়েলকাম করেঙ্গে সবকো, তো জরুর আপ লোগ যাইয়ে ওর মাম্মি কে বানায়া হুয়া জো সারা রেসিপি হ্যায় ও আপ জরুর ট্রাই কিজিয়ে। মে ইয়কিন কে সাথ বোল সকতি হু কি সিম্পল রেসিপি ভি আপকো বহুত আচ্ছা লাগেগা, কম তেল মে কম মসালে মে আপ বহুত হি স্বাদিষ্ট খানা বানা সকতে হ্যায়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আনে কে লিয়ে, তো আমারে ভিউয়ার্স কো বাই বাই বোল দো, সি ইউ গাইস ইন আওয়ার নেক্সট ব্লগ, টিল দেন বাই এভরিওয়ান, বাই বাই।